नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात कमोडिटी मार्केट की, तो आज गोल्ड और सिल्वर का मार्केट बिल्कुल सुस्ती के मूड में है और बाजार में एक्शन की पूरी कमी दिख रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए रवि सिंह हैं, SMC कॉम्ट्रेड के। रवि, आज के कारोबार में, चूंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्या आपको लगता है कि अब गोल्ड का मार्केट लाल निशान में भी आ चुका है? क्या ट्रेंड आप आगे देख रहे हैं? देखिए, काफी एक सीमित दायरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आज अभी के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से, एक बार यहाँ पर थोड़ा सा बाय किया जा सकता है। 27,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपर साइड पे काफी गैप होगा। 6 बजे इंपॉर्टेंट डेटा इन्फ्लेशन का है US का, और साथ में ईयर ऑन ईयर और मंथली डेटा है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। उस बेसिस से शायद थोड़ा सा गोल्ड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका रवि, क्योंकि कच्चे तेल में तेजी लौटी है और हालांकि मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता अभी भी हावी है और यही वजह है कि बाजार में कोई भी तेजी टिक नहीं पाती है। आपको लगता है कि 3,000 के आसपास कच्चे तेल में एक बार फिर से बिकवाली करना बेहतर रहेगा? दोनों साइड से इनफैक्ट चल सकते हैं। 3,000-3,030-50 का लेवल आता है तो एक बार कुछ सेल करके चला जा सकता है, लेकिन अगर 2,940 का लेवल आता है तो एक बार बाय करके चला जा सकता है। मिस ट्रेंड है। US में देखें तो सप्लाई थोड़ी सी कम हुई है, ओपन कंट्रीज की सप्लाई को लेकर के तो जरूर कंसर्न है, लेकिन इन्वेंट्री जिस हिसाब से निगेटिव आई है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बुलिश है। मैं समझता हूँ एक बार लोअर लेवल पे बाय करके चले, लेकिन 3,000-3,010 का लेवल आता है प्रॉफिट बुक करें, सेल करके चले, दोनों साइड से ट्रेड यहाँ पर किए जाए। ओके, कॉपर और एल्युमिनियम पर आपका क्या आउटलुक है? देखिए, कॉपर में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो चाइना ने अपने इंपोर्ट बढ़ाए हैं और यूज जो है वो उनका लगभग 10-12% हर साल बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पे कॉपर काफी अच्छा है। 380 के लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए। अपसाइड में इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 385-86 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एल्युमिनियम पे देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बार बाय करके चलना चाहिए, अपसाइड में 125 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। Okay, तो हाँ, इस समय मिक्स फंडामेंटल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बुलिश है। चलिए बात कर लेते हैं अब जीरे की, और जीरा वायदा आज 20,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर चुका है। जोरदार तेजी आई है जीरे में और पिछले 2 दिन में करीब 900 रुपये तक जीरे के दाम बढ़ चुके हैं। फिलहाल भाव 20,020 के स्तर पर है, 200 रुपये की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। रवि, क्या व्यू है आपका, क्या जीरे में अभी और तेजी बाकी है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, इस समय अगर देखें तो जो पिछले साल का इम्पोर्ट टारगेट, जो गवर्नमेंट का इंपोर्ट टारगेट 1,10,000 टन था, उसको क्रॉस करके 1,19,000 टन का करीब एक्सपोर्ट किया है, 9,000 टन ज्यादा किया है, तो और बाहर से भी देखे तो ऊपर कंट्री से अच्छी डिमांड है, तो मुझे लगता है कि अभी जीरे के भाव में 20,600 तक का दमखम रखता है, वहां तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, टर्मरिक पर क्या कमेंट होगा आपका, हल्दी वायदा में भी आप तेजी देख पा रहे हैं? देखिए, तो सभी में लगभग यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। हल्दी में भी देखें तो एक सीमित दायरा है, 7200 से लोअर साइड के लेवल और अपर साइड में 7500 का लेवल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू और रखते हैं तो एक बार हल्दी इस बार वापस से 8200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी करंट लेवल पे एक बार बाय करके चलना चाहिए, 7500-7550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस पूरी जानकारी के लिए।